लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवर्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलं। सर्वमंगलमांगल्यं, सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। हमारी विगत दिनों से 3 दिन से जो चर्चा चल रही है, उसी चर्चा को थोड़ा हम और आगे बढ़ाते हैं। आज हम इस कथा को पूर्ण करेंगे, अर्थात प्रथमा नियुक्त की। जब भी कथा पूर्ण होती है तो कहाँ से पूरी होती है? पूरी होगी तो मोक्ष से ही पूरी होगी। कहीं पे राग लपेट नहीं होती है, कहीं पे राग द्वेष के अंत में बातें नहीं होती हैं, कोई लड़ाई नहीं होती है, किसी की जीत नहीं होती है, किसी की हार नहीं होती है। मात्र क्या होता है? मात्र अंत में सबको मोक्ष होता है, चाहे कथा कहीं से भी प्रारंभ हो, लेकिन अंत हमेशा भला ही होगा। अब उसको अंत भी हम क्या कहें? वास्तव में तो वो एक तरीके से अंत भी नहीं है। अंत तो ये होता है कि अब खत्म हो गया। यहाँ पे तो अब असली सुख तो अब चालू हुआ है। किन का? अरहंत और सिद्ध भगवंतों का, जो ये दो मुनिराज बनने वाले हैं। थोड़ी सी कथा का रिकैप देखते हैं जल्दी से, जैसे सीरियल्स में दिखाते हैं शुरुआत में कल क्या देखा था और आज क्या देखने वाले हैं, ऐसे थोड़ा यहाँ पे भी देखते हैं। सिद्धार्थ नगरी थी, राजा क्षेमंकर और रानी विमला देवी के कोख से एक बालक जन्मा। दो बालक जन्मे जिनके नाम था राजा देशभूषण और राजा कुलभूषण। इस प्रकार ये दो युवक, दो युवराज 15 साल बाहर पढ़कर आए, लेकिन जैसे ही स्वागत से वापसी आ रहे थे तो झरोके में उनको एक अपनी बहन दिखी, जिसपे जो वास्तव में उनको ये नहीं पता था कि ये उनकी बहन है। एक राजकन्या पे मोहित हो गए, और जैसे ही बाद में पता लगा भैया ये तो हमारी बहन है, तब उनको अंतरंग से बहुत गलानी का भाव उत्पन्न हुआ। इससे हम एक बात और देख सकते हैं कि आज तक इतिहास में जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो हमेशा बुरी दृष्टि से ही हुई हैं। हम थोड़ा रावण के समय में जाएं, रावण एक इतना बड़ा विद्वान, इतना महान पंडित होने के बावजूद भी एक कन्या पर राग आ गया, सीता जी को बुरी दृष्टि से देख लिया, तो पूरी रामायण खड़ी हो गई, जो हम टीवी पे देखते हैं या हम पुराणों में पढ़ते हैं। मतलब एक गंदी दृष्टि के कारण, जो कोई महान से महान व्यक्ति भी हो, उसकी प्रतिष्ठा पूरी मिट्टी में मिल जाती है अगर वो ऐसा दुष्कृत्य कर बैठता है। आज रावण को कोई नहीं जानता, किसके माध्यम से? कि वो बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, कोई नहीं जानता। सब लोग जब भी दशहरा आता है तो उनको जलाने के लिए भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अलग बात है कि उनकी दृष्टि कैसी है। आइए थोड़ी हम कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। कल तक हम कहाँ तक पहुंच चुके थे अपनी कहानी में? दीक्षा की ओर जाने लगे। दोनों दीक्षा की ओर जाने लगे थे। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का उस नगरी में प्रवेश हुआ था जिस पर्वत की चोटी पर तपस्या कर रहे थे, वहां तक वो सब पहुंच चुके थे। उसके बाद की हमें आगे कथा आज देखनी है। थोड़ा सा कल का पैराग्राफ हम जल्दी से देख लेते हैं, जिससे थोड़ा हमारा रिवीजन हो जाए कि हम कहाँ तक पहुंच चुके थे। कि एक बार दोनों मुनिराज वंशधर पर्वत की चोटी पर प्रतिमा योग धारण कर उग्र ध्यान में लीन थे। तभी द्वेष बुद्धि से अग्निदेव द्वारा उनपे उपसर्ग किया गया, और उस उपसर्ग को बचाने के लिए, उस उपसर्ग को दूर करने के लिए राम जी और लक्ष्मण जी का उदय हुआ था। यूं कहूं कि वो उसी मार्ग पर आए थे। हमारी कहानी थी कि पहाड़ के ऊपर उन लोगों ने क्या देखा, क्योंकि पहाड़ के ऊपर एक आश्चर्यकारी घटना घटित हुई थी जिसको हम आज देखने जा रहे हैं। पहाड़ के ऊपर जाकर उन्होंने अद्भुत आश्चर्यकारी दृश्य देखा। किसने देखा? किसने देखा?
राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी। तो पहाड़ के ऊपर जाकर उन्होंने अद्भुत आश्चर्यकारी दृश्य देखा। अहो, अत्यंत सुकोमल दो युवा मुनिराज देह से भिन्न अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। नदी के समान गंभीर उनकी शांत मुद्रा है। ऐसे वीतरागी मुनि भगवंतों को देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई और भक्ति भाव से स्तुति की, जिसे सुनकर पर्वत के ऊपर रहने वाले पशु भी मोहित हो गए और वहां आकर शांति से बैठ गए। उसके बाद राम, सीता, लक्ष्मण वहीं रुक गए। इस प्रकार कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मतलब कि दो मुनिराजों को देखा, और कैसे हैं वो मुनिराज? युवा मुनिराज। युवा माने हम तुम की तरह, जितने युवा हैं। अभी हम दिन में कहानी सुन रहे थे आचार्य कुंद देव की। आचार्य कुंद देव की एनिमेटेड पिक्चर देख रहे थे, तो उसमें क्या बताया कि 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली। किसने? 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा। सोचिए, 11 वर्ष का तो हमें बालक लगता है, जो हम समझते हैं उसको बुद्धि नहीं है अभी। लेकिन कुंद आचार्य देव ने 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली और जंगल में चले गए। 11 वर्ष क्या होती है? 11 वर्ष कुछ नहीं होती। लेकिन भैया, जो पुरुषार्थी जीव होते हैं, अपने शास्त्रों में कहा है कि 8 साल के बाद इतनी बुद्धि आ जाती है कि हम सब अपना खुद कर सकते हैं। सम्यक दर्शन की पात्रता 8 साल के बाद आ जाती है, कि इतनी उसको अकल आ जाती है। और उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली थी। तो अत्यंत सुकोमल दो युवा मुनिराज देह से भिन्न अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे थे। नदी के समान गंभीर शांत मुद्रा है उनकी, हमारे मुनिराजों की। नदी का प्रभाव चाहे कितना ही हो, लेकिन कैसे जानी जाती है? गंभीर। नदी कैसी होती है? गंभीर, अपने में ही समाहित हो जाती है। सबसे बड़ी बात नदी की विशेषता, नदी में कितनी ही लहरें उठें, लेकिन कभी भी नदी का पानी बाहर नहीं जाता, वो लहरें उठ के अंदर ही समा जाती हैं। चाहे अंदर में कितनी भी चले, लेकिन वो चीज़ें बाहर प्रकट नहीं होती हैं। ऐसे होते हैं हमारे वीतरागी मुनि भगवंत। तो उनकी देखकर सबसे पहले भक्ति भाव की स्तुति की, और क्या कह रहे हैं? पर्वत के ऊपर रहने वाले पशु भी मोहित हो गए। कथा याद आ रही हो आपको, दो मुनिराज एक शेर को उपदेश देने के लिए आए थे। कौन थे वो शेर? महावीर भगवान की पूर्व पर्याय, महावीर भगवान की पूर्व पर्याय शेर। उसी में तो उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी। मांस का टुकड़ा खा रहे थे, मांस का टुकड़ा खाते खाते छोड़ दिया, दो मुनिराज देखे और उन्होंने उपदेश दे दिया। तो मतलब कैसे कैसे पशु भी शांत हो जाते हैं मुनिराज की मुद्रा देख के। इतनी मुद्रा शांत होती है। कई बार तो अपने साथ ऐसा होता है कि कोई दुश्मन आ जाता है ना, तो कहते हैं भैया मुझे इसकी शक्ल देखनी बिल्कुल पसंद नहीं है, ये तो मेरी आंखों के सामने। भैया कितना तो सुंदर है, गोरा चिट्टा है, सबसे अच्छी तरह बातें करता है, लेकिन जब भी मैं इसके साथ शक्ल दिखती है, हम तो भैया रास्ता बदल लेते हैं। 36 का आंकड़ा है हमारा इसके साथ। मतलब हमारी अभी ऐसी मुद्रा नहीं है कि कोई जीव हमको देख के शांत हो जाए। हो सकता है कोई क्रोधी हो जाएगा, किसी को मान का भाव आ जाएगा, किसी भी प्रकार के परिणाम आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, उसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण वहीं रुक गए। फिर रात हुई और असुर उपद्रव करने वहां आ पहुंचा। बड़ा भयंकर सर्प का रूप लेकर जीवों को फुंकारते हुए वह उन मुनिराजों के शरीर में लिपट गया। कौन से दो मुनिराजों पे लिपट गया? देशभूषण और कुलभूषण मुनिराज के ऊपर। कौन सा देव? असुर कुमार जाति का देव उनके ऊपर लिपट गया, जो उनपे उपसर्ग कर रहा है। राम, लक्ष्मण इस उपद्रव को असुर की माया समझकर उस पर अतिशय क्रोधित हुए। क्यों? क्योंकि भैया बलवान तो है ही, शक्तिशाली तो है ही। एक राम है तो एक लक्ष्मण है। राम अगर बलदेव है तो वो वसुदेव है, असली रूप में तो यही है ना। एक बलदेव है तो एक वसुदेव है। तो बलदेव तो भैया तद्भव मोक्षगामी होते हैं, राम जी अपने मोक्ष गए हैं। हम जब अपने इतिहास की घटना देखते हैं, जब हम टीवी में बड़ी अच्छी रामायण हमने देखी, तो अंत में क्या दिखाया गया कि किसने रावण को मारा? राम जी ने रावण को मारा। क्या वास्तव में राम जी ने रावण को मारा था? नहीं। लेकिन हम पे लौकिक कथाएं इतनी हावी होती जा रही हैं कि हमारे जैन शास्त्र पीछे होते जा रहे हैं। पद्म पुराण, पद्म मतलब क्या होता है? पद्म राम जी का दूसरा नाम है। तो राम जी का वर्णन है उसके अंदर पूरा पद्म पुराण में। 3 भाग हैं मोटे मोटे, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, कम से कम 1500 पन्ने, इससे भी अधिक उसके अंदर इस सब का वर्णन
किया गया है। वास्तव में लक्ष्मण ने रावण को मारा था। राम जी तो भैया तद्भव मोक्षगामी है। तद्भव माने क्या होता है, उसी भव से जिनको मोक्ष जाना है, तो वो कैसे किसी को मार सकते हैं, और लक्ष्मण ने मारा तो वो नरक चले गए, तीसरे नरक। ऐसे ऐसे परिणाम है, क्योंकि कहानी का नाम क्या है हमारा, देखो परिणामों की विचित्रता। निर्मल परिणाम जीवी मोक्ष चले जाते हैं, और जिनको मारने का भाव आता है वो नरक चले जाते हैं। इसलिए हमें किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं इधर कि भयंकर सांप उन पर लिपट गए। ऐसी कितनी घटनाएं हैं जो जिन पर हमारे मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ और सभी मुनिराज शांत बैठे रहे। कितने मुनिराज शांत समता भाव से वो बैठे रहे, उनको किसी चीज की राग लपेट नहीं रही। लेकिन भैया राम लक्ष्मण अभी गृहस्थ हैं, कोई अभी दीक्षा नहीं ली है उन्होंने, तो उनको ऐसा परिणाम आ सकता है, बचाने का परिणाम आ सकता है। हो सकता है कि एक मुनिराज दूसरे मुनिराज की रक्षा ना करें। रक्षा से इन सेंस मतलब क्या कि भैया दोनों मुनिराज पे उपसर्ग हो रहा है, एक कुलभूषण है और एक देशभूषण है। तो ऐसा नहीं भैया हम तो पहले भाई भाई थे, मैं तेरा सांप उतार देता हूं तू मेरा सांप उतार दे, ऐसे कोई नहीं चल रहा था। लेकिन अभी वो ग्रस्त थे, इसलिए उन दोनों ने एक दूसरे की पूरी सहायता की, उस पे क्रोधित हुए, और वो आगे देखते हैं क्या हुआ। इस प्रकार सीता को धीरज बांध कर दोनों भाइयों ने मुनिराज के शरीर से सर्प को दूर किया। बलदेव और वासुदेव के पुण्य प्रताप से, बलदेव और वासुदेव कौन है, नए कैरेक्टर आ गए क्या कोई, ये राम और लक्ष्मण, इन्हीं के नाम बता रहे, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। बलदेव और वासुदेव के पुण्य प्रताप से असुर देवों की विक्रिया का जोर नहीं चलता। मतलब भैया जो खुद तद्भव मोक्षगामी है उनके सामने कौन ऐसा छल कर सकता है, तो एकदम असुर कुमार जाति का देव भी डर गया। उसने अपनी विक्रिया जनित माया समेट ली। इस प्रकार उपसर्ग दूर हुआ समझकर राम सीता और लक्ष्मण, देखे शब्द देखिए, इस प्रकार उपसर्ग दूर हुआ समझकर, अभी हुआ नहीं है, अभी फिर उपसर्ग करने आएगा, शांत नहीं है भैया। पूर्व भव का बैर चला आ रहा है, बैर बांध लिया। बैर होता क्या है, क्या होता है बैर, दुश्मनी, क्रोध का विकृत स्वरूप है बैर। क्या कहा, क्रोध का विकृत स्वरूप है बैर। क्रोध और बैर में अंतर क्या होता है बताओ, थोड़ा सा समझते हो तो। क्रोध क्या, गुस्सा तो है, दोनों गुस्सा है, दोनों में अंतर क्या है, गुस्सा वो होता है जो तुरंत आता है और तुरंत हम कर देते हैं, लेकिन जो बैर होता है हम बैर बांध लेते हैं, आगे आगे तक चलता है, जिसको हम कहते हैं प्लानिंग प्लॉटिंग। क्या है कि किसी ने मुझे मुक्का मारा, किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, तो मैंने उसे तुरंत थप्पड़ मार दिया, मेरा गुस्सा शांत हो गया। लेकिन अब उस मैंने सामने से रिएक्ट नहीं किया, लेकिन मैंने मन में सोचा भैया मेरा भी मौका आएगा, मेरा भी दिन आएगा, अभी तेरे दिन चल रहे हैं, जब मेरा दिन आएगा तो मैं, अब क्या हुआ, जितने समय तक वो गुस्सा अपने साथ रखेगा वो सड़ता रहेगा गुस्सा, और जब वो सड़ जाएगा उसको कहते हैं बैर, उसको कहते हैं बैर। मतलब जो प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे भैया, इसको ऐसा मारेंगे, इसको ऐसा, तो उस असुर कुमार जाति के देव ने क्रोध नहीं किया, बैर, कि भैया जब मेरे दिन आएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, इधर बुरे दिन आने वाले हैं, कि जब मेरी बारी आएगी तब मैं तुम पे उपसर्ग करूंगा, और ऐसा उपसर्ग करूंगा कि तू कोई बचा नहीं पाएगा। ऐसा बैर बांध लिया और उसके परिणाम उसको भोगने पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार सीता को धीरज बांध कर दोनों भाई मुनियों के शरीर से सर्प को दूर करने लगे। क्या कह रहे हैं इस आगे, इस प्रकार उपसर्ग दूर हुआ समझकर राम सीता लक्ष्मण आनंद पूर्वक मुनिराजों की स्तुति करने लगे। अब किस प्रकार की स्तुति कर रहे हैं राम सीता और लक्ष्मण, हे देव आप तो संसार से उदास मोक्ष के साधक हो, आप मंगल हो, आपकी शरण लेकर भव्य जीवों को भव रूपी उपसर्ग दूर हो जाता है। मतलब कि संसार को उपसर्ग बता दिया, उपसर्ग वही नहीं होता जो मुनिराजों पर होता है, हम पे भी उपसर्ग हो रहा है, हम संसार में हैं, यही सबसे बड़ा उपसर्ग है हम पे, संसार का अभाव करना है, इसलिए कह रहे हैं अपनी शरण लेकर भव्य जीवों को भव रूपी उपसर्ग दूर हो जाता है और आनंद में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अहो आप जिन मार्ग के प्रकाशक हो, जिन मार्ग क्या है ये, जिन धर्म, मतलब जिनेंद्र द्वारा बताया गया जो वीतराग में धर्म है वो है जिन मार्ग, तो जिन मार्ग के प्रकाशक कौन हो, आप हो। अभी देखिए मुनिराज अपने ध्यान में है, स्तुति तो कर रहे हैं लेकिन
जिनकी स्तुति कर रहे हैं वे कह नहीं रहे कि भैया थोड़ी और स्तुति करो, थोड़ी और स्तुति करो, हम बहुत महान है। वो अपने ध्यान में, उनको ये पता ही नहीं है कि हमारा किसने उपसर्ग दूर किया है, हमें कौन बचाने आया है। इसका परिणाम नहीं कि एक आंख खोल के देख लियो भैया कौन हमें बचाने आया है, ऐसा परिणाम नहीं। ओ तुमने मुझे बचा दिया, ठीक है मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। होता ना जगत के अंदर होता है कि तुमने मेरा काम किया मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे वो भाव चला गया क्योंकि अब आत्मा के अंदर चले गए। अहो आप जिन मार्ग के प्रकाशक हो और सम्यक आदि तीन उत्तम रत्नों के द्वारा सुशोभित हो रहे हो। कौन से तीन रत्न हैं ये? कौन से? कोहिनूर, और कौन कौन से होते हैं? पन्ना, ये वाले ही रत्नों की बात चल रही है। सम्यक दर्शन बोलिए सब, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हम मंदिर जी में परिक्रमा लेते हैं ना, तो कितनी बार लेते हैं? तीन। इसी के फल स्वरूप रहते हैं कि हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। आज मैं मंदिर गया तो एक बच्चा बोल रहा था कि हम तो राउंड राउंड लेंगे, जल्दी से दर्शन कर लेते हैं, राउंड राउंड करेंगे, क्योंकि उसको अब ये नहीं पता कि हम क्यों चक्कर काट रहे हैं। चक्कर से मतलब परिक्रमा के हम क्यों ले रहे हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के रूप में हम क्या ले रहे हैं, तीन परिक्रमा लेते हैं। तो उत्तम तीन रत्नों के तो द्वारा आप सुशोभित होते हो। आत्मा की साधना पे आप मेरु के समान निश्चल, उपमा दी मेरु के समान। मेरु क्या है? सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत ऐसा पर्वत है जिसको डिगाया नहीं जा सकता, जिसको हिलाया नहीं जा सकता। ऐसे आपका ध्यान कैसा है, आपकी आत्मा की साधना कैसी है, जिसको एक उपसर्ग नहीं, दो उपसर्ग नहीं, चाहे लाखों उपसर्ग कोई जीव कर दे, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपनी आत्मा के ध्यान से च्युत नहीं होंगे। तुच्छ असुर देव पिछली तीन रातों से घोर उपद्रव कर रहे थे। कौन? पिछली तीन रातों से उपसर्ग हो रहा था। हमें कोई दो मिनट परेशान कर दे तो हम पागल हो जाते हैं, इसको ले जाओ हमारी नजरों के सामने से। छोटे बच्चे परेशान करते हैं, जाओ दूर बैठो, इधर नहीं बैठना, तो हम उनको दूर भगा देते हैं। जो भी हो वो अपने को म्यूट कर लें। चलिए मैंने कर दिया। क्या बात चल रही थी अपनी? तुच्छ असुर देव पिछली तीन रातों से, कितनी रातों से? तीन रातों से घोर उपसर्ग कर रहे थे, उपद्रव मचा रहे थे, फिर भी आप आत्म साधना से नहीं डिगे, जरा सा विकल्प भी नहीं आया। धन्य है आपकी वीतरागता, आपके पास एक नहीं परंतु अनेक लब्धियां हैं, अनेक उपलब्धियां हैं। आप चाहें तो असुर देव को क्षण मात्र में परास्त कर सकते हैं, भगा सकते हैं। मुनिराजों में इतनी शक्ति आ जाती है, इतनी शक्ति तप करने के माध्यम से इतनी शक्ति आ सकती है कि भैया उसको भगा सकते हैं, लेकिन भगाने का भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर से राग तोड़ दिया। अगर आपने शुरुआत में लाइन ध्यान दी हो तो क्या लाइन थी कि देह से भिन्न अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे थे। देह साथ में है, शरीर साथ में है, लेकिन उसके प्रति ध्यान नहीं है। हमें छोटी सी चोट लग जाती है तो पूरे दिन और चोट लग गई, चोट लग गई, चोट लग गई, बुखार हो गया तो पड़े हैं बस, लेकिन क्योंकि हमारा शरीर की तरफ ध्यान है। इनका शरीर की तरफ ध्यान नहीं है तो अपनी आत्मा की तरफ ध्यान है। क्योंकि मैं जल्दी जल्दी आज इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आज अपने को कहानी पूरी करनी है। अभी तक हम एक पेज पढ़ रहे थे, रोज रोज में आपको नहीं पता मैं कितना पेज पढ़ रहा हूँ इधर, रोज रोज में एक पेज पढ़ रहे थे, आज हमें तीन पेज करने हैं पूरे, इसलिए थोड़ा सा तेज चल रहे हैं। धन्य है आपकी वीतरागता, आपके पास एक नहीं परंतु अनेक लब्धियां हैं। आप चाहें तो असुर देव को क्षण मात्र में परास्त कर सकते हैं, भगा सकते हैं, परंतु ऐसे उपसर्गकर्ता के प्रति भी आपको क्रोध नहीं है। अब थोड़ा हमें पॉज लेना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। क्या कह रहे हैं? ऐसे उपसर्गकर्ता के प्रति भी आपका क्रोध नहीं है। वो तो आपका दुश्मन है ना, तो उस पर तो गुस्सा करो। कहते हैं ना कि भैया जगत में टिट फॉर टैट चलता है, जो हमारे साथ बुरा करेगा हम उसके साथ बुरा करेंगे। भैया देखो, जो हमसे अच्छी तरह बात करता है उसके लिए हम अच्छे हैं, जो हमसे बुरी तरह बात करता है उसके लिए हम बुरे से भी बुरे हैं। जगत में ऐसे वचन बोले जाते हैं, भैया हम तो ऐसे ही हैं, तुम्हें देखना है, तुम्हें दोस्ती करनी है हमसे तो कर लो इस शर्त पे, ऐसे ऐसे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? उपसर्गकर्ता, और उपसर्ग उनको परेशान कर रहे हैं, ध्यान से च्युत करने के लिए सब कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर रंच मात्र भी क्रोध नहीं है। ऐसे आप चैतन्य के ध्यान द्वारा, शुक्ल ध्यान के द्वारा केवल ज्ञान साधने में तत्पर। ध्यान कौन सा है?
शुक्ल ध्यान, चार ध्यान की बात की थी हमने कक्षा के बाद, आर्त ध्यान, रौर्त ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो शुक्ल ध्यान के द्वारा आप केवल ज्ञान साधने में तत्पर हो, अभी तक आंखें नहीं खोली हैं, आत्मा के ध्यान में तो स्तुति कर रहे हैं राम जी। इस प्रकार वे उनके चरणों में बैठकर स्तुति करते रहे, लेकिन वहां मध्य रात्रि के समय वह दुष्ट देव फिर से आया और मुनियों के ऊपर पुनः उपसर्ग करने लगा। सोचिए तो कितनी बार मुनिराजों पे उपसर्ग हो रहा है, कितनी बार। ये जितने भी हम देखते हैं ना हमारे मुनिराज, बहुत बढ़िया आज पिक्चर देख रहे थे कि कितनी भी ठंडी से ठंडी पड़ रही हो, कितनी भी गर्मी से गर्मी पड़ रही हो, उसके बाद भी किसी का सहारा नहीं लेते। ऐसा नहीं कि भाई ठंड पड़ रही है तो थोड़े कपड़े ले लें, थोड़ी गर्म जगह पे चले जाएं, वो तो बल्कि जान पूछ के उन्हीं जगहों पे जाते हैं जिससे अपने इंद्रियों को वो जीत लें। अगर जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, ठंड मतलब ठंड का मौसम है, तो ठंडी जगह चले जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? गर्मी की जगह भी जा सकते हैं, क्योंकि उनको अपनी इंद्रियों को जीतना है, इंद्रियों को वश में करना है, और इंद्रियों को वश करेंगे तो आत्मा की साधना आसानी से हो पाएगी, क्योंकि इंद्रिय अपने कंट्रोल में आ गई ना। अभी अपने साथ क्या हो रहा है कि हमें इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन अभी अपने साथ इंद्रियां हमें कंट्रोल करनी है। स्वाद हमें कंट्रोल कर रहा है कि स्वाद कहता है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। स्वास्थ्य क्या कहता है? स्वास्थ्य तो कहता है कि उबला हुआ खाना खाना चाहिए, और स्वाद क्या कहता है? चटपटा खाना चाहिए, मसालेदार खाना चाहिए। तो किसकी किसकी उसमें जा रहे हैं हम? इंद्रियों की अधीनता है हमें, हम इंद्रियों से पराधीन है। हम वो देखना चाहते हैं जो ये चक्षु इंद्रिय देखना चाहती है, हम वो इसको दिखाना नहीं चाहते जो हम देखना चाहते हैं। ये आंखें कह रही हैं कि भैया आज हमें टीवी पे ये शो देखना है, तो आंखें के पराधीन हो गए हैं हम। आप कितनी ही नींद आ रही हो, लेकिन आंखें कह रही हैं देखना है, तो वो देख के ही सोएंगे हम, पूरा आंखों के पराधीन हो गए। लेकिन अपने अपना ज्ञान क्या कह रहा है कि भैया अब नहीं, मतलब एक तरीके से उस रूप में मैं कह रहा हूं, हमें इंद्रियों के अधीन नहीं होना, इंद्रियां हमारे अधीन हो जाएं कि हम उसको जैसा खाएं वो वैसा काम करे, ऐसा करना है। तो मुनिराज इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। कहते हैं ना कभी कभार हमने सुना है कि इन मुनिराज ने इसका त्याग कर दिया, आजीवन इन्होंने नमक का त्याग कर दिया, इन्होंने मीठे का त्याग कर दिया। क्यों त्याग कर दिया? क्यों त्याग कर दिया? इंद्रियों को वश में करना है, स्वाद को वश में करना है। क्यों? क्योंकि कभी आहार लेने गए और इस चीज में स्वाद आ गया तो राग का परिणाम जाग जाएगा, और राग जागेगा तो ध्यान बार बार उधर जाएगा, और बार बार ध्यान उधर जाएगा तो आत्मा का ध्यान कब करेंगे? मुनि किस लिए हुए हैं? खाने पीने के लिए, मिलने जुलने के लिए, या आत्मा की ध्यान करने के लिए? सीखना चाहिए देशभूषण कुलभूषण मुनिराज से कि कैसे आत्मा की ध्यान कर रहे हैं, और हम सभी श्रावक को सीखना चाहिए कि उनकी सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। ऐसी सेवा भी नहीं करनी चाहिए कि वो मुनि धर्म छोड़ के संसार धर्म में आ जाएं, क्योंकि भैया ताली एक हाथ से नहीं बजती ना, ताली को बजने के लिए दो हाथ चाहिए। अगर गलती हो सकती है तो श्रावकों की गलती भी हो सकती है, वो उनको संसार की बातों में उलझाएंगे। कल हमने बात की थी ना शिखर जी पे, ऐसी जगह पे जाके बैठते हैं कि दूसरा कोई मुनिराज आ नहीं सकता, मुनिराज भी नहीं आ सकते, और श्रावक की तो इतनी पतली पतली गलियों से निकल निकल के ढूंढ ढूंढ के रास्ता कि पता नहीं कहाँ चोटी पे चढ़ के बैठे हैं, ऐसी जगह बैठे हैं। वहां मध्य रात्रि के समय वे देव दुष्ट देव फिर से आया और मुनियों के ऊपर पुनः उपसर्ग करने लगा, भयानक रूप धारण करके राक्षस और भूतों के समूह नाचने लगे। क्योंकि शक्तियां होती हैं, वैक्रियक शरीर है, वैक्रियक शरीर क्या होता है कि एक शरीर है उसको दो बना देंगे, दो को तीन बना देंगे, ऐसे ही पांच बना देंगे, इतने शरीर बना बना के काम करते हैं। तो एक ही एक असुर कुमार जाति का देव क्या कर रहा है? राक्षस भी बन रहा है और भूतों का समूह बना लिया कि भैया इनको डराएंगे, थोड़ी डरावनी आवाजें निकालेंगे तो डर जाएंगे, अपना ध्यान छोड़ देंगे और अपना मैं बदला लेके पूरा चला जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, विचित्र आवाज कर करके शरीर में से अग्नि की लपटें निकाली जा रही हैं कि डरो भैया, गर्मी से तो चिगो कम से कम। हाथ में तलवार भाला लेकर कूदने लगे कि भैया तुमको मारेंगे तुमको मारेंगे, लेकिन नहीं नहीं डिग रहे। उनके उत्पाद से पर्वत की शिखाएं भी कांपने लग गई, शिलाएं भी कांपने लग गई कि भैया उपद्रव मचा रहे हैं, बार बार कोई कूद रहा है, अगर मैं यहाँ पे हम कूदना चालू कर दें, अगर कोई नीचे किराएदार हो किसी के घर में तो नीचे कंप्लेंट आ जाती है, भैया भैया क्यों इतना हल्ला मचा रहे हो, ये तो अपना पूरा घर है, तो ऐसी कोई बात नहीं, कितना ही कूदो कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन पर्वत कांपने लगे मानो कोई भयंकर भूकंप ही आ गया हो।
जिस समय बाहर में सब कुछ हो रहा था उसी समय दोनों मुनिराज अंदर शुक्ल ध्यान में मग्न होकर आत्मा के अपार आनंद का अनुभव कर रहे थे। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंस देखिए लोगों में और मुनिराज में। एक तरफ नगर के लोग हैं उन्हें मुनिराज नहीं दिख रहे हैं, उन्हें क्या दिख रहा है क्योंकि उन्होंने तो मुनिराज को देखा ही नहीं, वो तो पहले डरे हुए हैं, मतलब दृष्टि दृष्टि का फर्क है। उनके साथ उपसर्ग हो रहा है तो वो बाहर देख नहीं रहे हैं और वो डर रहे हैं और वो सब बाहर देख रहे हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि सारे लोग बाहर देख रहे हैं और मुनिराज अंदर देख रहे हैं, जिन पे उपसर्ग हो रहा है वो अंदर देख रहे हैं और बाकी सब लोग बाहर देख रहे हैं। जिस समय बाहर से सब कुछ हो रहा था उसी समय दोनों मुनिराज अंदर शुक्ल ध्यान में मग्न होकर आत्मा के अपार आनंद का अनुभव कर रहे थे। बाहर क्या हो रहा है इस पर उनका लक्ष्य नहीं था। सीता यह दृश्य देखकर पुनः भयभीत हो गई, डर गई फिर से, क्योंकि क्षमा स्वभावी होती है ना, तो स्त्रियां क्षमा स्वभावी होती है तो भाई डर भी बहुत जल्दी जाती है, जल्दी गलती को माफ कर देते, डर भी गई, भयभीत हो गई। तब राम जी ने कहा, देवी तुम डरो मत, तुम इन मुनिवरों के चरणों में ही बैठी रहो, हम इन दुष्टों को भगा कर आते हैं। मतलब कि सीता को निश्चिंत कर गए, भैया तुम मुनिराज की शरण में हो, तुमको कभी कुछ होने वाला नहीं है, इन दुष्टों से हम निपट के आते हैं। ऐसा कहकर सीता को मुनिराजों के चरणों में छोड़कर राम लक्ष्मण ने दुष्ट असुर देव को ललकारा, आओ लड़ो हमसे लड़ो। लेकिन क्या लड़ाई हुई होगी? लड़ाई हुई होगी भैया, बलदेव और वासुदेव हैं, डर गए, वो कह रहे हैं भैया इन्होंने, राम जी ने एकदम आ गए सामने, लक्ष्मण ने जोर से चिल्लाया तो सामने से लगा भैया ये कौन आ गया है, ये तो कोई महान पुरुष है। सारे देव असुर कुमार जाति के देव डर गए और वहां से भाग गए। राम की धनुष की टंकार से ऐसा लगा मानो व्रजपात हो गया। व्रजपात माने क्या होता है, जैसे बिजली सी गिर गई हो, भूकंप सा आ गया हो, बिजली सी गिर गई हो, ऐसा लगा। लक्ष्मण के सिंह गर्जना सुनकर के अग्निप्रभ देव समझ गया कि यहाँ कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो महाप्रतापी बलदेव और वासुदेव हैं। अतः राम लक्ष्मण का पुण्य प्रताप देखकर वह अग्निप्रभ देव भाग गया और उसकी सब माया भी समाप्त हो गई तथा फिर से उपसर्ग दूर हो गया। मतलब कि एक ही व्यक्ति ने दो बार उन उपसर्ग को दूर कर दिया, लेकिन अभी तक दूसरी बार भी उपसर्ग दूर हो गया। मुनिराज अपनी आत्मा के ध्यान से नीचे गए। अभी मैं घटनाएं बहुत सारी बता सकता हूँ साथ में कि किन किन मुनिराजों पे उपसर्ग हुआ और कैसे कैसे उस उपसर्ग को दूर किया, लेकिन मुनिराज आत्मा के ध्यान में ही लीन रहे हैं। श्रेणिक राजा को याद कीजिए, उपसर्ग किया उन्होंने, नरक भी गए लेकिन मोक्षगामी है, मोक्ष जाएंगे। सातवें नरक का बंद किया, सातवें से पहले में आ गए क्योंकि अंत समय में अच्छे परिणाम कर लिए और भविष्य के पहले तीर्थंकर होने वाले हैं, भावी तीर्थंकर हैं, क्योंकि 24 तीर्थंकर कितने होते हैं, वर्तमान 24 ही अलग है, भूत 24 ही अलग है, भविष्य की 24 ही अलग है। हम क्या कहते हैं कि हम किसके शासन काल में जी रहे हैं, अभी भगवान महावीर के शासन काल में हम जी रहे हैं, क्योंकि वर्तमान के हैं वो, अंतिम तीर्थंकर हैं। जो पार्श्वनाथ भगवान के काल में रहते होंगे वो पार्श्वनाथ भगवान के काल, उनके वर्तमान शासन नायक पार्श्वनाथ भगवान थे, हमारे समय के कौन है, महावीर भगवान। अब भविष्य काल आएगा तो जब पहले तीर्थंकर होंगे तो उनके काल में कौन होंगे, राजा श्रेणिक, तब राजा नहीं रहेंगे वो, फिर तो मुनिराज हो जाएंगे, मुनिराज बन के अरहंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे 24 तीर्थंकर हैं आगे। उपसर्ग दूर होते ही ध्यान में लीन देशभूषण और कुलभूषण मुनिराजों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बताओ, अंदर ही अंदर, बाहर उपसर्ग हो रहा है और अंदर आनंद की गंगा बह रही है, आनंद की अंदर लहर दौड़ रही है और अंदर ही अंदर केवल ज्ञान हो गया। ऐसे कितने मुनिराज हैं, मुनिराज के जब भेद देखते हैं ना, एक मुनिराज होते हैं उपसर्ग, मतलब जो केवली, उनको कहते हैं कि उपसर्ग केवली, कि देव उपसर्ग करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पटक देते हैं। मतलब कि एक सोचिए मुनिराज चौथे काल में है और कोई उनको उठा के छठे काल में फेंक गए, पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया, अब नदी में गिरने वाले हैं, नदी में गिरने से पहले ही पहले ध्यान की अग्नि इतनी जोरों की बढ़ाई कि केवल ज्ञान लेके शरीर बाद में गिरा, केवल ज्ञान पहले हो गया। सोचो मुनिराज ऐसे जब कोई गिर रहा है तो घूम रहे हैं,
लेकिन आसन नीचे का, आसन ऐसे का ऐसा ही रहता है, घूमते जा रहे हैं घूमते जा रहे हैं, और अंदर कुछ पता नहीं चल रहा। अपने साथ हम कुछ, वो कहते हैं ना कुछ वाटर राइड होती है, या हम ग्लाइडिंग करते हैं ऊपर से, तो कैसे चिल्लाते हैं, डर भी लग रहा है और चिल्ला भी रहे हैं और कह रहे हैं हम, और जब नीचे उतरते हैं बहुत मजा भी आ रहा है। तीनों चीजों का एक्सपीरियंस एक बार में हो जाता है, जिसको एक नाम दिया एडवेंचर। असली मुनिराज एडवेंचर ये कर रहे हैं, हम तो बाहर को चिल्लाने चिल्लाने को एडवेंचर समझते हैं, लेकिन असली एडवेंचर ये है जो अपनी आत्मा के अंदर जाके ध्यान करके केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते। क्या है ये केवल ज्ञान? क्या है केवल ज्ञान बताओ? हम बात तो कर रहे हैं केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान है क्या? अभी बताऊं हमें ऐसा सबके चेहरे ऐसे क्यों है? क्योंकि उनको केवल ज्ञान अभी पता नहीं है। जिन जिन लोगों को केवल ज्ञान पता है उनके चेहरे पे इतनी मुस्कान है कि भैया केवल ज्ञान क्या है, थोड़ी प्रश्न थोड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही। केवल ज्ञान क्या है? क्या है केवल ज्ञान? आत्मा का ध्यान केवल ध्यान केवल ज्ञान है। आत्मा को जानने का नाम केवल ज्ञान है। चलिए एक परिभाषा ये भी ठीक है, बहुत बढ़िया। आप सेम नहीं बोल सकते, अब धारावाहिक हो जाएगा, अब आगे बढ़ेंगे। चलिए बताऊं फिर केवल ज्ञान क्या है, तब समझ में आएगा कि मुनिराजों को केवल ज्ञान होता है। हम क्या समझते हैं कि हम मुनिराजों को आज के मुनिराजों के हिसाब से सोचते हैं, आज के मुनिराजों के हिसाब से, मतलब कि पंचम काल में मोक्ष संभव नहीं है ना, लेकिन मुनि अवस्था धारण कर सकते हैं, सातवें गुण स्थान तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मोक्ष गति प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम क्या समझते हैं कि कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन भैया ये तो चौथे काल की बात चल रही है। चौथे काल में तो सभी को मोक्ष होता है, सभी से मतलब कि जो पुरुषार्थ करते हैं उनको मोक्ष होता है। क्या है केवल ज्ञान? दो शब्द नहीं है ये, केवल और ज्ञान, ओनली नॉलेज, ऐसा नहीं है ये। केवल ज्ञान एक शब्द है, मतलब कि जिसको संपूर्ण आत्मा का ज्ञान होता है। अगर आप परसों के दिन जब हमने, जिस दिन हमारा स्वाध्याय नहीं हुआ था, उस दिन जो गोष्ठी थी विषय यही था, 4 दिन 5 दिन इसी विषय पे गोष्ठी चली कि केवल ज्ञान होता क्या है। जिन लोगों को नहीं पता उनको सुनना चाहिए कि केवल ज्ञान होता क्या। 5 दिनों में केवल ज्ञान का स्वरूप पूरा, हर विषय से हर एंगल से। मेरा विषय था कि सर्वज्ञ को जानने से लाभ, केवल ज्ञान को जानने से लाभ। क्या होता है केवल ज्ञान? केवल ज्ञान माने कि सबको जानने वाले, ऐसा एक ज्ञान है जो सब पदार्थों को एक बार में जानता है। अनंत पदार्थ उनके ज्ञान में ऑटोमेटिक झलकते हैं। हमारा मन चंचल है ना, हमारे पदार्थों को जानने का मन करता है। चलो भैया कल वहां पे चलते हैं, कल घूमने वहां पे चलते हैं। अभी घूमने हम कहाँ जा रहे हैं, मनाली चलें या शिमला चलें या लद्दाख चलें, कहाँ चलें, कहीं चलें, हमारी जिज्ञासा है, क्योंकि हमने वो चीजें देखी नहीं है। लेकिन केवल ज्ञान एक ऐसी चीज है, एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा ज्ञान है जिसके अंदर हर चीज एक बार में आपको दिखाई दे रही है। आपका पास्ट, आपका फ्यूचर, आपका वर्तमान, मतलब 3 टीवी लगाइए अपने घर में, एक भूतकाल का, एक भविष्य काल का और एक आपका वर्तमान का, और तीनों को एक साथ देखिए। ऐसा है केवल ज्ञान। और संपूर्ण पदार्थों को जानते हैं जितने हैं। तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय के 29वें सूत्र में कहा, क्या कहा, क्या कहा? सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, कि सर्व द्रव्य और सर्व पर्यायों को जानने वाला होता है केवल ज्ञान, सभी द्रव्यों को। अब क्या है कि अब जैसे जैसे मैं बढ़ता जाऊंगा, नए नए शब्द आते जाएंगे, नए नए शब्द आते जाएंगे, तो लगेगा कि उबासियां चालू हो जाएंगी, उलझन बढ़ जाएगी हमारी, इसलिए हम ज्यादा अंदर नहीं देख रहे। लेकिन सब पदार्थों को जानने का नाम है केवल ज्ञान, और वो सब की जितना हम सोचें उतना है, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति उन दो मुनिराजों को हो गई। मोक्ष हो गया भैया, मोक्ष कल्याणक हो गया, मोक्ष हो गया। बोलिए देश भूषण कुल भूषण भगवंतों की, मोक्ष हो गया। तब केवल ज्ञान उत्सव मनाने के लिए स्वर्ग से देव आए। अब पंच कल्याणक होंगे, जैसे कि जैसे पंच कल्याणक होते हैं, इनके पंच कल्याणक तो अभी नहीं होंगे क्योंकि तीर्थंकर नहीं है ये, तीर्थंकरों के ही पंच कल्याणक होते हैं। लेकिन केवल ज्ञान कल्याणक तो सभी का होता है ना, केवल ज्ञान जिस जिसको होगा उसका केवल ज्ञान कल्याणक मनाया जाएगा। तब केवल ज्ञान उत्सव मनाने के लिए स्वर्ग से देव आए, चारों ओर मंगल नाद होने लगा, रात्रि में भी दिव्य प्रकाश सा जगमग उठा। रात्रि हो रही है लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रभु को केवल ज्ञान हो गया है। तो प्रभु को केवल ज्ञान हुआ तो स्वर्गों में खलबली मच गई। जब प्रभु को केवल ज्ञान होता है तो नरकों में भी क्षण भर के लिए शांति हो जाती है, जहां हर समय जीव लड़ते रहते हैं,
एक दूसरे को मारने के पीछे भाला लेके पड़े हुए हैं, नदी गरम गरम तेल में डालने के लिए तैयार हैं एक दूसरे को। ऐसे ही वातावरण में भी जब प्रभु को केवल ज्ञान होता है तो नरकों में भी शांति हो जाती है। सोचो कैसा केवल ज्ञान होता होगा कि उनको भी भैया, उनको भी लगता होगा भैया हाँ कुछ ना कुछ ऊपर हुआ है कि जहां पे हमारे यहाँ पे भी शांति हो गई, कोई किसी के पीछे भाग नहीं रहा, क्षण भर के लिए वहां भी शांति हो गई, चारों ओर मंगल नाथ हो रहा है। केवल ज्ञान के प्रताप से रात और दिन में कोई भेद नहीं रहा, मानो रात्रि की छाया असुर कुमार देव के साथ ही चली गई। असुर कुमार देव चले गए उपसर्ग करके, तो ऐसा लग रहा है कि रात्रि भी चली गई। अहो, अपने सामने मुनि भगवंतों को केवल ज्ञान होता देखकर राम सीता और लक्ष्मण को तो अपार आनंद हुआ, क्योंकि भैया वो तो साक्षात देख रहे हैं कि उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। हम जब पंच कल्याणकों में जाते हैं तो पंच कल्याणक में जब देखते हैं तो उसमें इतना अहोभाव आता है कि भगवान को केवल ज्ञान हो गया है और ये साक्षात देख रहे हैं। और कौन देख रहे हैं? जिनको अभी खुद केवल ज्ञान होने वाला है, उनको खुद केवल ज्ञान होने वाला है, और वो सामने से मात्र राम जी को, लक्ष्मण को नहीं, सीता जी को नहीं, क्योंकि स्त्रियों को तो होता ही नहीं है, उनको पहले पुरुष में आना पड़ेगा, और अभी तो नरक में है तो तभी संसार में ही रहेंगे लक्ष्मण जी। तो क्या कह रहे हैं, मानो आगे बढ़ रहे हैं, अहो सभी लोग अपने को म्यूट ही रखें जी। अहो, अपने सामने मुनि भगवंतों को केवल ज्ञान होता देखकर राम सीता और लक्ष्मण को तो अपार आनंद हुआ, हर्षित होकर उन्होंने सर्वज्ञ भगवंतों की भक्ति भाव से परम स्तुति की। दिव्य ध्वनि द्वारा भगवान का उपदेश सुना। क्या होता है दिव्य ध्वनि? क्या होती है दिव्य ध्वनि? मुझे तो बार बार लग रहा है जैसे एक विषय है ना दिव्य ध्वनि, कहानी को छोड़ के अब दिव्य ध्वनि को समझाना चालू करते हैं, कहानी तो चलती रहेगी। क्या होती है दिव्य ध्वनि? भगवान की वाणी को दिव्य ध्वनि कहते हैं। वो वाणी दिव्य होती है जिसको सुनकर सभी जीवों का कल्याण होता है। क्यों? क्योंकि उस समो शरण में सभी जीव आते हैं। सभी जीव कौन कौन आते हैं, कौन कौन आएंगे उसमें? उसके अंदर चींटी भी आएंगी, त्रियंच जीव भी आएंगे, हाथी घोड़े बिल्ली बंदर देव भी आएंगे, सब लोग उनके समो शरण में आएंगे और सबको एक जैसा उपदेश मिलेगा, मात्र हित का मार्ग मिलेगा। दिव्य ध्वनि द्वारा भगवान का उपदेश सुना। ओहो, प्रभु के श्री मुख से चैतन्य तत्व की कोई परम अद्भुत गंभीर महिमा सुनकर उनके आनंद का अपार ना रहा। देशभूषण कुलभूषण के पिता जो मरकर गरुड़ेंद्र हुए थे, जिन्होंने आहार का त्याग कर दिया था, वो छोड़ के चले गए थे ना, आहार का त्याग कर दिया था और वो देव बन गए थे, गरुड़ेंद्र बन गए थे, वे भी केवली भगवान के दर्शन करने के लिए आए। अगर पूर्व भव के हिसाब से देखा जाए तो अपने बच्चों के प्रवचन सुनने आए हैं, अपने बच्चों के बच्चे नहीं इसलिए कह रहा हूं, पूर्व भव की अपेक्षा तो वो उनके प्रवचन सुनने आए हैं। यहां राम लक्ष्मण से मिलकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। कौन प्रसन्न हुए? गरुड़ेंद्र देव, वो मिलकर बहुत प्रसन्न हुए, आदर पूर्वक बोले, हे दोनों मुनि, ये दोनों मुनि हमारे पूर्व भव के पुत्र हैं, तुमने इनकी भक्ति की है और इनका उपसर्ग दूर किया है, यह देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं, इसीलिए जो मांगना हो वह मांगो, मैं तुम्हें वही दूंगा। तब राम ने कहा, क्योंकि जंगल में है ना हर तरीके की दिक्कतें हैं, तो उस प्रकार उन्होंने वर मांग लिया कि भैया जब कभी हम पर संकट आए तब आप हमारी मदद करना। यह वचन प्रमाण करके गरुड़ेंद्र ने कहा, अच्छा तुम यही समझना कि मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा। ये बहुत बड़ी समस्या है पूर्व समय की, जो हमें अच्छा लगता है ना कि भैया जो तुम्हें मांगना है मांग लो, पूरी रामायण इस पे घटित हो गई। एक केकई ने वचन मांग लिया कि मैं बाद में वचन मांगूंगी, और बाद में ऐसा वचन मांगा कि राम जी को वनवास भेज दो। बताओ ये परंपरा एक तरीके से कैसी परंपरा है कि तुम बाद में देख लो, बाद में कोई कुछ भी मांग सकता है। अगर राजा को कोई कह दे भैया बाद में तुम्हारा वचन जब हमें चाहिए तब दे देना, और कोई कह दे भैया तुम्हारा सारा राज्य हमें दे देना, अब बताओ सड़क पे आ जाएगा। लेकिन कैसे कैसे, मतलब ये परंपरा कैसी परंपरा चलती आई है, इसको हम प्रमोट नहीं हो सकती है परंपरा, ये परंपरा आगे नहीं बढ़ सकती है, बड़ी भी नहीं आगे परंपरा। मैं तुम्हें वचन देता हूं
जान जाए लेकिन वचन ना जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसे चीजें कह रहे हैं। जब कभी हम पर संकट आए तुम हमारी मदद करना, तो ऐसा वचन उनको दे दिया। केवली भगवान की वाणी सुनकर अनेक जीवों ने धर्म को प्राप्त किया। राजा और प्रजाजनों ने नगरी में आकर आनंद पूर्वक उत्सव मनाया। केवल ज्ञान के प्रताप से सर्वत्र आनंद मंगल छा गया। भगवान की वाणी में ऐसा आया कि रामचंद्र जी भी इसी भव से मोक्ष प्राप्त करने जा रहे हैं। बताइए कितना बड़ा, मतलब कि जिनका उपसर्ग दूर किया है उनको पता लग गया कि मैं इसी भव से मोक्ष की प्राप्ति करने वाला हूं। इसी भव से, जो भगवान होता है ना, भगवान का समोशरण, तो भगवान के समोशरण में एक आभा मंडल होता है जिसको हम प्रभा मंडल कहते हैं। जो पीछे जो हम चक्र देखते हैं ना, हमें क्या लगता है कि भैया जो लोग महान हो जाते हैं उनके सिर पे एक चक्र आ जाता है और वो सूर्य का प्रकाश होता है, वो आभा मंडल है। वो आभा मंडल क्या होता है, वो प्रभा मंडल क्या होता है, जब हम भक्तांबर जी का पाठ करते हैं ना, हम सब पाठ करके आ जाते हैं लेकिन उसके अंदर क्या अर्थ है हमें ये नहीं पता। आठ छंदों के अंदर आठ प्रातिहार्यों का स्वरूप बताया है, उन आठ प्रातिहार्यों में एक आभा मंडल भी है। उसका स्वरूप बताया है कि जो जीव समो शरण में जाते हैं, आभा मंडल की ऐसी विशेषता है कि उस जीव को अपने सात भव उसमें दिखाई दे जाते हैं। अगर हम तुम जैसे जीव जाएं तो अपने सात भव उसमें देख सकते हैं। कौन से सात भव देख सकते हैं अपने, थोड़ी कॉमन सेंस लगाएगा कोई, कौन से सात भव हम देख सकते हैं, आने वाले सातों देख सकते हैं। चलिए देखिए, कुछ हमने स्वाध्याय कर रखा था, इसका फल हमें आज प्राप्त हुआ। तीन भूतकाल, किसके, तीन भूतकाल के भव, तीन भविष्य के काल और एक वर्तमान का, इस प्रकार सात भव हमें वहां पे दिखाई देते हैं। अच्छा मैं पूछता हूँ थोड़ी कॉमन सेंस के हिसाब से, जिन जीवों को मात्र चार भव दिखाई देते होंगे उनसे हम क्या समझें? रामचंद्र जी को, अगर रामचंद्र जी उसमें आभा मंडल में देखें और उनको चार भव अपने दिखाई दें तो इसका क्या मतलब है? अगर उनको चार भव दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, क्योंकि तीन तो भूत के दिखेंगे ही दिखेंगे, एक वर्तमान का दिखेगा, और अगर आगे के नहीं दिख रहे हैं तो भैया तुम्हारा आगे कोई भव ही नहीं है, तुम तो मोक्ष जाने वाले हो। अगर चार भव मिनिमम दिखे, और अगर पांच दिखे तो तीन भूत के, एक वर्तमान का, एक भविष्य का, पांच हो गए। ऐसे छह दिखे तो चलो ये तो इतना हुआ, अरे सात दिखे तो हम समझ गए, और अपने कितने दिखने वाले हैं? अपने भी सात दिखेंगे। क्या हम ऐसे काम करते हैं कि बस सात ही हो? मैं तो कहूँ अगर सात ही हो तो भी बढ़िया है, भविष्य के तीन ही बचे हों तो भी बढ़िया है। ऐसा लगता है आज के परिणामों के हिसाब से अनंत काल संसार में रहने वाले हैं। काम ऐसे करते हैं, भावना ऊंची ऊंची भाते हैं। पंडित टोडरमल जी ने लिखा है कि भैया ऊंचा पद लेके नीच कार्य मत करना, कि हमने ऊंची पदवी तो ले ली और नीच कार्य कर रहे हैं। हम बातें बड़ी ऊंची ऊंची कर रहे हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कितनी बढ़िया कहानी चल रही है आत्मा के ध्यान की, हम आत्मा का ध्यान करेंगे ऐसा करेंगे, और बाद में सब विषय कषाय में लीन हो जाते हैं। प्रवचन के बाद, कक्षा के बाद सबके हाथ में एक बॉटल होगी, किस चीज की बॉटल होगी? पानी की बॉटल नहीं होगी, मोह रूपी बॉटल होगी, मोह रूपी शराब की बॉटल। अभी तो हम वैरागी हो रहे हैं कहानी को सुन के, लेकिन बाद में जाते ही फिर मोह का नशा कर लेंगे और एज इट इज 24 घंटे बीत जाएंगे, फिर हम कल बैठ जाएंगे। एक तरीके से हम वैसे तत्व हैं जिन पर भैया कान के, जिन पे रूप, मतलब कान पे जू भी नहीं रेंगती जिनके। ठीक है भैया कुछ चल रहा है, चलने दो, चल रहा है बोलने दो, ऐसी भगवान के ऊपर, मैं अपने ऊपर नहीं कह रहा हूँ, भगवान की वाणी, भगवान बोलते हैं, भगवान जिन वाणी के माध्यम से हमें बता रहे हैं कल्याण, बोलने तो हमें क्या है, हमारे बारे में थोड़ी है, हमारे बारे में थोड़ी है। मैं तो कहूँ अगर हम धर्म भी करते हैं ना, हम धर्म भी इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मान प्रतिष्ठा मिलती है। अगर मान प्रतिष्ठा मिलनी बंद हो जाए तो क्या हम धर्म करेंगे? अपने अपने मन में उत्तर दीजिए, क्या हम धर्म कर पाएंगे? आज हमें सम्मान होता है हमारा, हमें स्टेज पर बुलाया जाता है, जो ऊँची पदवी, थोड़ी ऊँची गद्दी लगाई जाती है, और धर्म हो रहा है हमारा? धर्म नहीं हो रहा, इसलिए थोड़े हमें समझना चाहिए। भगवान की वाणी में ऐसा आया कि रामचंद्र जी इसी भव से मोक्ष प्राप्त करेंगे। श्री रामचंद्र जी बलभद्र हैं, तद्भव मोक्ष गामी हैं। ये समझ लो नौ बलभद्र होते हैं, 63 शलाका महापुरुष हैं, होते हैं 63 शलाका महापुरुष। अब ये भी नहीं पता 63 शलाका महापुरुष में कौन कौन आता है,
मैं उलझा नहीं रहा उसके अंदर। तो नौ बलभद्र, तो नौ बलभद्र में से आठवें बलभद्र का नाम है रामचंद्र, आठवें, उनसे पहले। और सबके सब मोक्षगामी होते हैं, सबके सब मोक्षगामी होते हैं, ऐसा केवली प्रभु की वाणी में सुनकर लोगों ने उनका भी सम्मान किया। मुनिवरों को केवल ज्ञान उत्पन्न होने से उस भूमि को महातीर्थ रूप समझकर राम, सीता और लक्ष्मण बहुत दिनों तक वहां पर ही रहे और महान उत्सव पूर्वक पर्वत पर अनेक मंदिर बनवाकर अद्भुत जिन भक्ति की। उसी समय से यह पर्वत रामटेक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तीर्थ क्षेत्र है अपना रामटेक, कहाँ पे है? महाराष्ट्र। अभी हम सब आगे देखेंगे कौन चीजें कहाँ पे हैं, मतलब कि वो उनकी पवित्र भूमि है जहां पे किन किनों ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की है। कभी कभार तीर्थ क्षेत्रों के संबंध में बात करें तो वो एक अलग पॉइंट हो सकता है कि तीर्थ क्षेत्र कैसे होते हैं। ये सिद्ध क्षेत्र हैं जहां से भगवंतों ने, सिद्ध क्षेत्र कहां को क्या होते हैं, जहां से सिद्ध होते हैं। ऐसे शिखर जी क्या है अपना, सिद्ध क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र जहां से भगवान सिद्ध गति को प्राप्त हुए हो, सिद्ध हुए हो, अरहंत से सिद्ध दशा को प्राप्त किया हो। लेकिन आज ऐसी दुर्दशा हो गई है तीर्थ स्थलों की कि वहां पे सब चीज चालू हो गई है, खाना पीना आज तो टूरिस्ट प्लेस बन के रह गया है, टिकट लगने लगी भैया। अब जब लॉकडाउन के बाद जाएंगे उसकी टिकट लगेगी, एक रोप वे बन गया, आराम से लोग फोटो खिंचवाने आएंगे, तीर्थ स्थान चला गया, खाने पीने की दुकान तो पहले ही खुल चुकी हैं। उस सिद्ध क्षेत्र पे हम कैसे खा पी सकते हैं, कैसे हम ऐसा विश्राम कर सकते हैं, लोग कुछ भी कर रहे हैं, लोग कैसे कैसे कपड़े पहन के आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहीं पे मल मूत्र चल रहा है लोगों का। भैया उसी इतने बड़ा सिद्ध क्षेत्र है शिखर जी, अब कितने मुनिराज मोक्ष गए, करोड़ों की संख्या में, मतलब कि पूरे पर्वत पे एक ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां से वो सिद्ध ना गए हो, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है। जिस जगह पे आप पैर रखते हो उस जगह पे कोई ना कोई मुनिराज बैठे थे, उन्होंने वहां पे तप किया था और उनको सिद्ध गति की प्राप्ति हुई थी, तभी हम वहां पे चप्पल लेके नहीं जाते ना, क्यों नहीं लेके जाते, कारण पता होना चाहिए। सिद्ध क्षेत्र है वो, तो वहां पे हम अपवित्र कार्य भी नहीं कर सकते, कुछ खा पी भी नहीं सकते, लेकिन अब जो व्यवस्था है वो है हमें अपना लोटा छानना है, हमें व्यवस्थाओं के अंदर नहीं उलझना, हमें अपना लोटा छानना है, हम अपना, हम खुद सुधर जाएंगे, दुनिया खुद सुधर जाएगी, हमें अपने को सुधारना है। उसी समय से यह पर्वत रामटेक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गगन विहारी देशभूषण कुलभूषण केवली भगवंत दिव्य ध्वनि से अनेक देशों के भव्य जीवों को धर्म का प्रतिबोध कराते हुए अयोध्या नगरी में पधारे। क्योंकि जो समोशरण होता है वो विहार होता है, एक ही जगह नहीं होता समोशरण, अलग अलग जगह विहार करता है भगवान का समोशरण। तो अलग अलग जगह पे पहुंचे, तो वो समोशरण कहाँ पहुंचा, अयोध्या नगरी में पहुंचा। और अयोध्या नगरी किसकी है, राम जी की है। तब फिर से उन केवली भगवंतों के दर्शन करके राम लक्ष्मण आदि राजा प्रजा सभी बहुत हर्ष को प्राप्त, क्योंकि वापसी आ गए थे। अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं मुनि सूरतनाथ भगवान के काल की बात चल रही है, तो उस समय तो अयोध्या उन्हीं के नाम से जानी जा रही है, उनकी भी है, वास्तव में तो पूरी धरती अयोध्या है, बचा ही क्या है। यह आज चीजें बढ़ गई हैं, ये हसनापुर जो है, थोड़ी बात करें हसनापुर क्या है, दिल्ली भी हसनापुर के अंदर आता है। ये तीर्थ स्थान बहुत बड़ा है लेकिन सबने तोड़ तोड़ के खत्म कर दिए, टुकड़े कर दिए पूरे। भारत कितना बड़ा है लेकिन अब आधा हो गया ना, धीरे धीरे सब चीजें जाती जा रही हैं। पूरी भारत ही अयोध्या नगरी है, जानी उसी के नाम से जानी जाती है। इसलिए अयोध्या नगरी में पधारे, अब वो कौन सी अयोध्या है, राम जी की। तब फिर से उन केवली भगवंतों के दर्शन करके राम लक्ष्मण आदि राजा प्रजा सभी बहुत हर्ष हुआ। उनका धर्मोपदेश सुनकर भरत जी ने दीक्षा ले ली और त्रिलोक मंडल हाथी ने भी श्रावक व्रत अंगीकार किया। एक हाथी है, उस हाथी को भी इतने शांत परिणाम आए देख के कि उसने भी पांच अणुव्रत लिए जाते हैं, त्यागे नहीं जाते। उसके बाद विहार करते हुए वे दोनों केवली भगवंत कुंथल गिरी पधारे, वहां से मोक्ष प्राप्त कर सिद्धालय में विराजमान हुए। मतलब कि कुलभूषण देशभूषण मुनिराज को कहां से, कुंथल गिरी से उनको मोक्ष हुआ है। दोनों भाई, देखने को तो देखा जाए कैसा साथ है दोनों भाइयों का,
चार भव पहले से भाई भाई साथ साथ, इस भव में आए तो साथ साथ भाई भाई बने, दीक्षा ली एक साथ, तप किया एक साथ, मोक्ष गए एक साथ। लेकिन एक साथ की भावना बुरी है भैया, कि भैया हम तो भैया हम दोनों तो मोक्ष एक साथ जाएंगे, दूसरे के चक्कर में बैठे रह जाएंगे। ये तो संयोग है कि ऐसा बन गया, कोई चाहते थोड़ी थे हम हमेशा बने रहेंगे। हम तो जब कोई शादी होती है कैसे कसम खाई जाती है, सात जन्मों के साथ हम साथ साथ रहेंगे, एक भव का पता नहीं, अभी अगले एक घंटे का पता नहीं, और कसमें कब कब की खा रहे हैं, सात जन्मों की। लेकिन भैया जो साथ साथ की भावना है वो निगोद लेके जाती है। क्या कहा, साथ साथ की भावना निगोद लेके जाती है। हमारे यहां तो भजन है एकला चालो रे, एक अकेले ही चलो, किसी का साथ मत ढूंढो। अच्छे कार्य में साथ देने वाले बहुत कम मिलेंगे, साथ ढूंढने जाओगे तो हो सकता है चांस है कि तुम भी बुरे बन जाओ। क्यों? क्योंकि अच्छे लोगों की संगति तो कम होती है ना, बुरे लोगों की संगति आसानी से मिल जाती है, लेकिन अच्छे लोगों की संगति नहीं मिलती। क्या कह रहे हैं आगे, उसके बाद विहार करते हुए केवली भगवंत कुंथल गिरी पधारे, और वहां से वो सिद्धालय में विराजमान हुए। दोनों भाई संसार में अनेक भव साथ रहे, आज मोक्ष में भी साथ साथ ही विराजमान है। उन केवली भगवंतों को हमारा बारंबार नमस्कार है। हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो उसके अंदर इनको भी नमस्कार करते हैं। मतलब जब नमोकार मंत्र पढ़ें तो हमें इतना विचार आना चाहिए कि हम किस किस को नमस्कार कर रहे हैं। हम तो क्या करते हैं, नमो सिद्धाणम, नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम। और अर्यंत कौन है हमें नहीं पता। मैं पूछूं अभी अर्यंत की परिभाषा तो हमें नहीं पता अर्यंत कौन है। अगर मैं पूछूं सिद्ध कौन है तो सिद्ध की परिभाषा नहीं पता। आचार्य कौन है तो हम जानते हैं ये आचार्य हैं जगत में, लेकिन आचार्य की जिनागम में परिभाषा क्या है जिनको हम रोज नमस्कार करते हैं, भैया ये माथा बहुत बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये ऐसा कोई सड़ा हुआ नारियल नहीं है कि जहां दिखा वहां फोड़ दो। हमारा मस्तक तो ऐसा भैया, जो कुछ लोग होते हैं ना भैया, जो मंदिर आता है उसके सामने ही, हम तो सबको मानते, हम सबको मानते। मिथ्या दृष्टि है, निर्णय करना पड़ेगा। ऐसे बड़ी मुश्किल से मिलता है, तभी कहते हैं ना कि गंधोदक कहाँ लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है गंधोदक, नहीं कानों पे, सुंडी पे, जो बचे सिर पे, बालों में, यही लगाया जाता है क्या? केवल मस्तक। क्यों? क्योंकि सारे नव द्वार हैं, नौ द्वार बताए हैं, जिस समय हर समय वहां से मल बहता रहता है, नाक हर समय मल बह रहा है, कान जहां पे हम बार बार लगाते हैं, जो बच जाए थोड़ा चंदन लगा लेंगे। शास्त्रों में मना किया है इसके बारे में, थोड़ा पढ़ें तो हमें पता लगे। क्या है कि हम आज्ञा से चलते हैं, हम देख देख के काम करते हैं, हम अपनी ध्यान नहीं लगाते। लेकिन भैया गंधोदक एक परम पवित्र जल है, गंधोदक कह रहे हैं हम उसको, भगवान के अभिषेक हुआ है उससे, तो भैया उसका तो थोड़ा हमें संभाल करनी चाहिए। तो दोनों भाई वे केवली भगवंतों को हमारा बारंबार नमस्कार हो। अंतिम पैराग्राफ भैया, कुंथल गिरी सिद्ध क्षेत्र महाराष्ट्र में है, वहां से ये देशभूषण और कुलभूषण मुनिवर मोक्ष गए हैं। उनकी यादगार के लिए अभी भी पहाड़ के ऊपर उन दोनों भगवंतों की सुंदर प्रतिमाएं हैं। सिद्ध क्षेत्र बहुत रमणीय स्थान है। पॉइंट टू बी नोटेड, कौन सा स्थान रमणीय है? सिद्ध क्षेत्र बहुत रमणीय स्थान है, मतलब कि घूमने का स्थान भी तीर्थ स्थान बताया है हमारा, घूमने का स्थान कुछ और नहीं बताया। बाकी जगह पाप करेंगे लोग, तो अभी जितना भी हम सुनते हैं वहां पे ऐसी ऐसी जगहों पे जाके परम पवित्र स्थानों को जाके भी पवित्र करके आ जाते हैं, ऐसे बुरे बुरे काम करके आ जाते हैं। लेकिन सिद्ध क्षेत्र ही एक रमणीय स्थान है जहाँ पे हम रमण करें, क्योंकि उनके फिर हमें जैसे वैसे भाव आएंगे ना हमारे। अगर हम शमशान घाट में जाते हैं तो कैसे परिणाम आते हैं, थोड़े वैराग्य के परिणाम आते हैं, थोड़े भीग जाते हैं परिणामों से। होली का परिणाम हो, होली चल रही हो, सबको होली खेलने का मन करेगा, वातावरण तो सिद्ध क्षेत्र का ऐसा वातावरण होता है। देशभूषण कुलभूषण दोनों चार भव से सगे भाई थे, आप उनकी जीवन कथा पढ़कर अपने जीवन में आत्मसात कर उन जैसे बनने की भावना भाते हुए कल्याण मार्ग पर चलें, यही इस कथा का उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि हम भी इनकी तरह, इनके पुरुषार्थ की तरह, इनके पुरुषार्थ का अगर हम रंच मात्र भी अपने जीवन में अपनाएं तो हम भी इनके समान भगवंत
बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए मार्ग पर चलना पड़ेगा, उसके लिए ये चिंतन बार बार करना पड़ेगा। अंतिम बात करके अपनी बात को पूरी करते हैं कि जब भी हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, जब भी हम नमोकार मंत्र क्या कहते हैं कि दिनचर्या, एक अच्छे बालक की दिनचर्या क्या होती है, सदाचार के पाठ में हम पढ़ते हैं, सुबह उठ के सबसे पहले हम नमोकार मंत्र का पाठ पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? जिससे पूरा दिन भर हम उसके बारे में चिंतन चलता रहे हमारा। फिर जब हम भोजन करते हैं, आदर्श बालक की कहानी बता रहा हूं मैं, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन पढ़ने खान मतलब भोजन लेने से पूर्व भी भगवंतों को नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी सुबह से लेकर अभी तक का चिंतन टूट गया हो तो वापसी जुड़ जाए शाम तक। सोने जाते हैं, सोने जाने से पहले 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, भगवान कौन है और मैं भगवान कैसे बन सकता हूं, इन सब का विचार करके सोएंगे तो हमारे विचार अच्छे क्यों नहीं होंगे, हमारे परिणाम कषायों में नहीं लगेंगे, वी कथाओं में नहीं लगेंगे। इस प्रकार हम भी देशभूषण और कुलभूषण मुनिराज की तरह बने। इसी मंगल भावना से अपनी बात को विराम लेते हैं, कल एक नई कथा प्रारंभ करेंगे। अभी हमने बात की देखो परिणामों की विचित्रता, कल से एक नई कथा, सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।